हेलो स्टूडेंट्स, दिसंबर में आपका पैटर्न चेंज हुआ था। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस खत्म हो चुका था। हमारे स्टूडेंट्स में ड्रॉपर्स थे, डबल ड्रॉपर्स भी थे, फ्रेशर्स भी थे। सबका सिलेबस खत्म हो गया था दिसंबर तक। इनफैक्ट नवंबर तक मैंने होमवर्क भी दे दिया था मैथ्स का पूरा ही पढ़ा के। और जब सिलेबस चेंज हुआ जनवरी में, मतलब दिसंबर में चेंज हुआ था, 1 महीने तक पता ही नहीं था क्या होने वाला है ना। वो जो लीगल अवेयरनेस वाले सर हैं, वो अपना कंटेंट पे बिजी थे यूट्यूब पे, तो वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि एक्चुअली में क्या होगा। फिर सैम्पल पेपर आया। सैम्पल पेपर के आसपास एक वीडियो आया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि वी वॉन्ट बी टेस्टिंग द मैथ्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स, है ना। एक आदमी इतने दिन में काम करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में काम करता है, ये सब टेस्ट करके क्या मिलेगा मुझे लॉयर्स का, है ना। ऐसा उन्होंने बोला था और बच्चों को थोड़ा खुश किया था कि चलो पैटर्न चेंज इज अ गुड थिंग। जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उनको बहुत ही खुशी हुई थी कि डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा वो तो हम कर लेंगे, है ना, 15 में से 7-8 नंबर तो निकाल ही लेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, सैंपल पेपर आया। सैंपल पेपर में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, अब उनका बोझ बढ़ गया कि अब तो पहले तो पैटर्न चेंज हो गया बीच में जब सारा सिलेबस खत्म हो चुका था। अभी तक क्रैश कोर्स वाले बच्चे आए नहीं थे। अभी मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस एक बार पढ़ चुके थे पुराने पैटर्न पे। बीच में सिलेबस चेंज करना, पैटर्न चेंज करना एक बहुत ही अनप्रोफेशनल सी हरकत है, करना नहीं चाहिए था। अगले अगले बैच से वो कर सकते थे इम्प्लीमेंट, तब तक अच्छे से प्लानिंग भी हो जाती, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आ गया तो उनको लगा मैं कैलकुलेशन पढ़ू, ग्राफ्स पढ़ू और मैथ्स भी पढ़ू। फिर उनको लगा, चलो मैं बोला कि अरे हो सकता है परसेंटेज से रिलेटेड है प्रॉफिट लॉस, तो परसेंटेज तो था ही, रेशियो तो था ही, तो वही पूछ लिया। फिर अगले ही सैंपल पेपर में TSD आ गया, ट्रेन वाला प्रॉब्लम था, याद होगा, शताब्दी एक्सप्रेस करके था, यहाँ से वहां जाती है। फिर अब TSD आ गया तो पूरा मैथ्स ही एक तरीके से हो गया, है ना। फिर केसलेट DI में अजीब अजीब सी चीजें आने लगी। वो तो चलो मैंने बच्चों को समझा दिया कि हाँ चलो ये रीडिंग के ऊपर है, तो बच्चों को चलो हमने थोड़ा सा किया कि हो जाएगा। बाकी GK नॉर्मल चल रहा था, उन्होंने सैम्पल पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं डाला था, पैराग्राफ बेस्ड मतलब ऑप्शंस रीड करके नॉर्मल दे रहे थे, हम भी नॉर्मल करा रहे थे, ठीक। पैराग्राफ बेस्ड मतलब जो ऑप्शंस में भी रीडिंग टाइप से जो अभी आया था आपके पेपर में। फिर CR में भी कुछ आइडिया था नहीं लेवल का, तो कोचिंग्स तो GMAT क्लब से कॉपी पेस्ट करके दे रही थी। बच्चों ने GMAT का सिलेबस पढ़ डाला, ठीक है, इतना मेहनत किया बच्चों ने, ठीक है। तो मैं खुद अगर एस्पिरेंट होता तो मैं समझ सकता हूँ आपका पेन। उसके बाद चलो सबने मेहनत करी, फिर कोविड आ गया। फिर उसके बाद कुछ बच्चों को खुशी हुई कि चलो हमें टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा पढ़ने का, क्योंकि सिलेबस बीच में चेंज हुआ था, तो थोड़े दिन तक तो खुशी हुई। क्रैश कोर्स के जो बच्चे आए थे उनको भी खुशी हुई, चलो हम 2 महीने पढ़ पाते, बोर्ड्स के बाद अब और पढ़ पाएंगे। फिर थोड़े दिन पेपर एक्सटेंड हुआ, पेपर एक्सटेंड हुआ, उसमें चलो हम कंसोर्शियम की गलती नहीं थी, गवर्नमेंट की भी गलती नहीं थी, वो नेचुरल था, उसमें कुछ कह नहीं सकते। फिर उसके बाद चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, फिर अचानक से एक मॉक में कैलकुलेटर आ गया। अब जिन बच्चों को मैं कैलकुलेशन सिखा रहा था पूरे टाइम, उनको कैलकुलेशन ट्रिक्स आ गए, तो उन्होंने सोचा अब तो कैलकुलेटर हो गया, तो हमारा पूरा कैलकुलेशन का टाइम वेस्ट हो गया जो जो हमने किया था उलसे जयपुर के यूट्यूब क्लासेस में। अब उनका कैलकुलेटर के कारण उन्होंने ऑब्वियसली पढ़ना छोड़ दिया। फिर अब एग्जाम से 2 दिन पहले कैलकुलेटर हट गया, ठीक है। आपने अपने इंस्ट्रक्शंस में तो लिखा था ना कि कैलकुलेटर देंगे, पर वो हट गया। अब आप अपने इंस्ट्रक्शंस में अजीब अजीब सी चीजें लिख रहे थे, जैसा आप क्लेम कर रहे हो कि रिव्यू वाला काउंट नहीं होगा। मैं लगभग 30 से ऊपर एग्जाम्स दे चुका हूँ ऑनलाइन, ठीक है, 2012 से, स्टार्टिंग विथ बिट्स पिलानी, उसके बाद से मैं इतने पेपर दे चुका हूँ। मैं ए पे क्लिक करता हूँ, मुझे लगता है गलत है, बी पे कर देता हूँ तो काउंट हो जाता है। आपने बोला कि आपको क्लियर रिस्पॉन्स करना है, इतना रीडिंग करना है, क्लियर रिस्पॉन्स करना है, फिर क्लिक करना है, तभी वो काउंट होगा। या फिर ए चूज किया है तो ए पे वापस क्लिक करो, तब वो अनसेलेक्ट होगा, फिर बी पे करो। ऐसा मतलब मैंने कहीं नहीं देखा। तो आप बच्चों से बोल रहे हैं कि आपने इंस्ट्रक्शन रीड नहीं किया तो आपकी गलती है, इसलिए आपके मार्क्स कम हुए हैं। अब जो कोचिंग के मार्क्स होते हैं, क्योंकि वो हम जो नेचुरल दुनिया में चलता है ना, वो करते हैं, तो सब में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्लियर रिस्पॉन्स करो, तो बच्चों की तो गलती इसमें है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने मार्क्स में देखा। एंड आप ऐसे अजीब अजीबो गरीब इंस्ट्रक्शन पता नहीं क्यों रखते हैं। आप चाहते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग हम इंस्ट्रक्शन में भी लगाएं अच्छे से पढ़ के बच्चे, आपको लगता है कि पेपर से पहले इतना वो जिसमें खासकर 145 में जो एंट्री लिए थे बच्चे, वो पढ़ पाएंगे इतना डिटेल में कि क्लियर रिस्पॉन्स करो, ये करो। अब मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर ऐसा कुछ था नहीं, मैंने तो पेपर नहीं दिया, मुझे पता नहीं है, ना ही पेपर आउट हुआ है अभी तक, इंस्ट्रक्शन आउट नहीं हुआ है, पेपर तो आउट हो चुका है, इंस्ट्रक्शन भी आउट कर दीजिए आप एडिट करके, बहुत झूठ तो आप बोल ही चुके हैं।
और उसके अलावा रिव्यू वाला भी मुझे समझ नहीं आया, पूरी दुनिया रिव्यू का ऑप्शन क्यों होता है? आपको नहीं पता हो लीगल अवेयरनेस वाले अंकल जी, तो जो हम रिव्यू का ऑप्शन होता है ना, जो बच्चे सॉल्व करते हैं ना, तो लगता है कि चलो मेरा थोड़ा सा डाउट है, मैं इसको दोबारा रिवाइज करूंगा, तो इसीलिए वो मार्क रिव्यू वाला ऑप्शन होता है। लॉजिक से देखा जाए तो, लॉजिकल रीजनिंग से देखा जाए तो, आप कह रहे हैं कि मार्क फॉर रिव्यू काउंट नहीं करेंगे, क्यों? मतलब उसमें तुक्का मार के हम मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, इसका तुक्का चेंज करना है, ऐसा होता है क्या? मुझे लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं, इन दोनों चीजों को कोई लॉजिक है नहीं। ठीक है, अब आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं ये बोल के कि हमने डाल दिया था इंस्ट्रक्शन में, और हमने सीआर सिलेबस में है तो वहां भी सीआर लगाना था, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना था इंस्ट्रक्शन 145 में, जो रिपोर्टिंग टाइम वाले स्टूडेंट्स थे वो भी अच्छे से पढ़े इंस्ट्रक्शन को। तो आप ये बोल के बच्चों का नंबर तो बढ़ाने वाले हैं नहीं, रिस्पॉन्स ही में ऊट पटांग चीजें हुई हैं। कुछ बच्चों ने मार्क नहीं किया है, मेरे बच्चे हैं, उनके जिस सेक्शन में मार्क किया है उसमें कम हो गया है, जिसमें मार्क नहीं किया उसमें बढ़ गया है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का हुआ है कि बढ़ गया, पता नहीं बढ़ा कैसे, बढ़ने का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, हो सकता है कि पिछले क्वेश्चन में माउस दबाया हो, माउस दबा रह गया अगले क्वेश्चन तक, ऐसा हो गया होगा, है ना, पता नहीं उसका सेंस क्या है। और अभी मेरे हिसाब से आपका जो भी सिस्टम है वो रीड अब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बच्चों के आंसर्स, तो एक तरीके से मेरे हिसाब से मैं ऑप्टिमिस्टिक था कि ये कुछ ना कुछ आंसर भी करेक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स की में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, मुझे नहीं लगता आप अब करेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बीच में एलएटी भी हुआ था जिसने 15 दिन वेस्ट किया, और अभी एमएससीटी से पहले जो लोग एमएससीटी के लिए फोकस करते उनका भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, मतलब इतना घटिया मैनेजमेंट है आपका। जितनी देर में आप वीडियो बनाते हो व्यूज के लिए अंकल जी, तो आप उतनी देर में अब इसके लिए भी वीडियो बना देते इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कि ऐसा ऐसा करना है ना। आप मतलब मैं क्या ही बोलूं, अब जिन बच्चों का मैसेज हमारे पास आ रहा है, इतना सारा मैसेज आ रहा है, मैं बच्चों को रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से कि क्या होने वाला है, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है, आप क्लियर भी नहीं करते, क्योंकि इस वीडियो पे व्यू नहीं आएगा ना, क्लैट का ऑडियंस कम है, 30-40 हज़ार व्यू आएगा आपके वीडियो पे, आप कुछ तड़कते भड़कते टॉपिक्स पे बनाएंगे, बाबरी मस्जिद या जो ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे जिस पे व्यूज आए, इन पे क्यों बनाएंगे, है ना, जो बच्चों को क्लैरिटी मिले, है ना, बच्चों को परेशान कीजिए, हमें सीटी भी आने वाला है, तो हम तो बच्चों को यही बोल रहे हैं कि देखो जो भी होने वाला है हो जाएगा। और मैं कहानी सुनाऊंगा अभी, देखो आई एम फ्रॉम आईआईटी, मेरे दोस्त बहुत सारे जो थे उनका आईआईटी नहीं निकला था, पर वो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आगे आएंगे, अभी तो एक तुम्हारा लाइफ का फर्स्ट एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स आगे आएंगे जिसको निकाल के, जैसे गेट होता है, मैं बीटेक के हिसाब से बता रहा हूँ, गेट होता है, एमबीए कर लेते हैं बच्चे, तो बाद में लाइफ उनकी अच्छी हो जाती है, तो अभी आप लोग ज्यादा पैनिक मत कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपने 2 साल 3 साल वाले बच्चे भी हैं, 1 साल वाले भी हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, सब कुछ सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करके पढ़ाई करी है, तो बुरा तो लगता है, पर अब जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वही लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो उनके लिए रिस्पेक्ट भी आपके मन में चली गई होगी, तो आप आगे जाके जुडिशियरी या लॉ के फील्ड्स में कुछ एग्जाम्स होते होंगे जो भी वो निकाल सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं अच्छी जगह से, या फिर कुछ लोग तो लॉ छोड़ भी रहे हैं, बीए कर लेंगे, यूपीएससी करेंगे, लेकिन बहुत सारे अभी स्कोप है, आप 16, 17, 18, 19 ईयर्स के एज रेंज में हो, तो अभी आपका लाइफ खत्म नहीं हुआ है, पॉजिटिव रहिए, जो भी बुरा होना था हो गया, हम वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट यू, प्लीज फोकस ऑन एमएससीटी, और एमएससीटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं या फॉर्म ही नहीं भरा है तो अभी आप डिप्रेस होने का कोई मतलब है नहीं। सुबह आज र्यूमर फैल रहा था एक कि सुसाइड हो गया, वो बच्चे भी बहुत ही पता नहीं बिना प्रूफ के ऐसे र्यूमर्स फैलाते हैं जानबूझ के, और बच्चों को ऐसी चीजें मन में डालने के लिए, टेलीग्राम पे बहुत सारी फेक चीजें शेयर होती है, जैसे सलमान भाई का स्कोर कार्ड 150 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, बच्चे मतलब जिनको जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी उनको कुछ काम है नहीं, ये सब कर रहे हैं वो, और जिन्होंने पढ़ाई करी वो रो रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिनके मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एनएलएस या नालसार या एनयूजेएस, उनके भी कम हुए हैं, और उनको उन्होंने या तो मार्क फॉर रिव्यू किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ने वाले बच्चे मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सॉल्व किया, उनको थोड़ा हल्का सा डाउट है तो बाद में टाइम बचेगा तो चेक करेंगे, या ये जो सेकेंड सिस्टम है कि ए के बाद बी चूज कर लिया तो काउंट नहीं हुआ, क्योंकि कोचिंग मार्क्स में जनरली होता है काउंट, उनको उसी की आदत है, अब आप अलग से इंस्ट्रक्शन डाल देंगे वो बोलेंगे कि पढ़ा क्यों नहीं, हमारी क्या गलती, मतलब ऐसा चीज दिमाग में आता कैसे है, जानबूझ के परेशान करने के लिए आता है क्या? और आपने एलएटी का अभी तक 75 रुपया में लौटाने वाले थे, 50 रुपये लौटाए, ये भी खा गए टाइम भी खा गए। ठीक है, बहुत सारी चीजें करी है, मैं तो भूल भी गया हूँ, पता नहीं क्या क्या आपने किया है, फर्नीचर डाल दिया था बीच में ऐसे, टीएसडी डाल दिया, डायमंड प्रॉफिट लॉस डाल दिया, फर्नीचर डाल दिया, और फिर कैलकुलेटर डाल दिया, फिर कैलकुलेटर हटा लिया मैं क्या ही बोलूं, मैं
मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एमएससीटी पे फोकस करें, अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए, आप मेल कीजिए, आप जितना कोशिश कर सकते हैं कीजिए। पर मेरे हिसाब से अब तो मैं नेगेटिव हो गया हूँ, क्योंकि मेल का रिस्पॉन्स मैंने बहुत सारा देखा है, तो रिस्पॉन्स देखे मुझे नहीं लग रहा वो कुछ करने वाले हैं। उनके पास बहाना है बहुत सारा, 2018 में भी केसेस करे थे उनके ऊपर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो अभी के लिए आप पॉजिटिव रहिए मेरे से। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आईटी में फेल कर गए थे लेकिन अभी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। जापान में साइंटिस्ट है एक दोस्त, गेट करके लगभग मेरे 30-40 दोस्त पीएसयू में अच्छे से जॉब कर रहे हैं। एक दोस्त ने आईएएस निकाला, आईएएस भी निकाला, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अभी आप डिप्रेस मत होइए, पॉजिटिव रहिए, और याद रखिएगा बस कि एक कंसोर्शियम नाम की चीज थी, उसमें दो लोग थे, बहुत सारे लोग थे, दो लोग ज्यादा, एक तो व्यूज के लिए मरते थे और एक पता नहीं 150 रुपए, पता नहीं मुझे। तो आप लोग प्लीज डिप्रेस मत रहिए प्लीज, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है। मुझे पता है आपने मेहनत करी है और भगवान देखते हैं कि आपने मेहनत करी, लाइफ में कभी ना कभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अब घर वाले, हाँ मैं घर वालों के लिए भी वीडियो बना रहा था, पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स प्लीज, आप ना, आप अपने आपका बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा ना, तो आपको पता होगा आपका बच्चा अगर फर्जी बच्चा होगा ना, कि वो मॉक में चीटिंग करके नंबर लाता होगा, तो आप ना कोचिंग में जाके पता कीजिए कि बच्चा सही पढ़ने वाला था या नहीं था। आप मतलब, तो आप कुछ बच्चे बहुत ही मेहनती होते हैं और आपको पता होगा कि आपका बच्चा मेहनती है, अगर उसके नंबर नहीं आए तो आप उसको ब्लेम मत कीजिए प्लीज, क्योंकि इस बार कंसोर्टियम की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने रूल्स ही ऐसे सेट किए हैं जो कि कन्वेंशनल रूल्स नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैं पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो कुछ ऐसा नहीं है। मुझे भी कभी कभी लगता है मैं क्या मुंह दिखाऊं, है ना, पापा चाहते हैं मैं आईएएस करूं, ये करूं, पर मैं जो भी कर रहा हूँ एटलीस्ट चोरी नहीं कर रहा हूँ। आप भी कुछ चोरी नहीं कर रहे ना, आपने मेहनत करी, आपका रिजल्ट नहीं मिला। बहुत लोगों की तो गलती है कि हम पढ़ाई नहीं करी तो रिजल्ट नहीं मिला, बहुत लोगों ने पढ़ाई करी फिर रिजल्ट नहीं मिला, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, उनके पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि प्लीज आप उन बच्चों को मुंह दिखाने दे। बच्चे कह रहे हैं मैं मुंह कैसे दिखाऊं, दिखा दो मुंह, बिना मुंह दिखाए कैसे रहोगे, है ना। ठीक है ना, चलो तो प्लीज पॉजिटिव रहें, लाइफ में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। अभी तो आप आई एम 26, आप लोग 19-18 के हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, आराम से आप लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। जैसा मेहनत किया वैसा मेहनत एक बार और कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। जैसे जो लोग एनएलयू जाएंगे ना, पता नहीं कैसे लोग इस बार एनएलयू जाएंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, कौन एनएलयू जाएगा। मैंने एक अजय देवगन वाला मीम शेयर किया था ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वैसा ही कुछ होगा। तो बहुत सारे जेन्युइन बच्चे हट सकते हैं एनएलयू, क्योंकि उन्होंने मार्क फॉर रिव्यू और वो तो दूसरा सिस्टम है ना, एक क्लिक करो फिर मार्क फॉर रिस्पॉन्स क्लियर करो, है ना, उसको साफ करो अच्छे से, फिर रगड़ के उसको वापस करो। बहुत बच्चों ने बोला कि सर मेरा तो, मैंने मार्क फॉर वो रिस्पॉन्स चेंज भी नहीं किया फिर भी मेरा हट गया है। तो उनके लिए मेरे हिसाब से माउस ऐसे ना दबा के बिल्कुल ऐसे कस के मारना था, तभी वो क्लिक होता है ना, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है कि बिना मार्क के भी काउंट हो गया, उन्होंने कस के मार्क किया होगा तो मार्क अगले क्वेश्चन तक रह गया। तो पता नहीं क्या बहाना मार रहे हैं, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप इसका कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो आप रो क्यों रहे हो, आपकी गलती थोड़ी है। ओनली फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी से ज्यादा कंफर्टेबल थे, उनको पता नहीं था पैटर्न चेंज होने वाला है, उन्होंने तो जब तैयारी शुरू करी तो पैटर्न तो वही था ना, उसमें वो फोड़ देते, पर पैटर्न चेंज हो गया तो बहुत अच्छे रीडिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है, डिप्रेस होके। तो उनको भी मैं क्या बोलूं, पढ़ सकते थे लेकिन वही होता है, मतलब मेहनत तो करी फिर टूट जाते हैं बच्चे। तो मेरे हिसाब से गलती कंसोर्टियम की बहुत सारी है ना, पैटर्न ऐसे बीच में कोई चेंज नहीं करता है ना, थोड़ा भी दिमाग हो तो पैटर्न अगले साल से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। अब इसके बारे में रोने का मतलब है नहीं, मैंने ही वीडियो बनाया था पेरेंट्स के लिए और वो बच्चों के लिए जो डिप्रेस हो रहे हैं, डिस्कस करें क्या होगा क्या होगा, जो होगा देख लेना, ठीक है। मेरे भी जो आईटी देने गया था ना जब, तो मुझे लगा था मेरा तो होना नहीं है, है ना, मेरे मतलब ऐसे चला गया था, पढ़ाई पढ़ाई मैंने ज्यादा करी नहीं थी, पर आराम से रिलैक्स होकर पेपर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। फिर मेरे जिन दोस्तों का नहीं हुआ उन्होंने बोला कि अरे अनिकेत का सिलेक्शन हो गया, मुझे आगे उनको हराना है, फिर उन्होंने आगे गेट कर लिया, हम एक लेवल पे आ गए, ऐसा होता है ना। तो आप डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और क्लैट 2020 हमेशा याद रखा जाएगा फॉर द क्या बोलूं मैं, ट्विटर पे मैं बोलता रहता हूँ, यू कैन चेक द ट्वीट्स ऑन ट्विटर, एंड अगर आपका कोई एग्जाम नहीं, फ्री बैठे हैं, तो आप रिट्वीट करते रहिए मीडिया में, ट्राई कीजिए हाईलाइट हो ये चीज, मीडिया में लोग क्लैट पे फोकस नहीं करते हो क्योंकि नंबर्स कम है ना बच्चों के,
और बच्चे ज्यादातर डीप स्टडी में रहते हैं, आईटी वाले जो लड़के होते हैं, नीट वाले लड़के थोड़ा कर लेते हैं, उनको कंसेप्चुअल ज्यादा होता है, तो यहाँ पे तो डेली पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप अभी ट्विटर पे लगिए, हैशटैग करिए ट्रेंड, और जिनका एमएससीटी है एमएससीटी पे फोकस करें, टाइम वेस्ट ना करें इस डिस्कशन में। एनलैट में ऑलरेडी 15 दिन एक अंकल खा गए, अभी दूसरे अंकल, उनको मैसेज किया कुछ बच्चों ने, तो बोला कि मैंने पेपर थोड़ी बनाया था, डू यू थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल, और डोंट मैसेज मी, ऐसे करके बोल दिया, दिस इज माई पर्सनल नंबर। ठीक है चलो ठीक है, तो अभी के लिए डिस्कस करना बंद कर दो। मैं सेंटर पे बैठा हूँ, मैं 11:11 हुए हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मतलब कम से कम इंस्टा हर जगह, ट्विटर पे भी मैसेज आ रहे हैं अब तो, और सब बच्चे परेशान है, कॉलेज मिलेगा कॉलेज मिलेगा कॉलेज मिलेगा कॉलेज मिलेगा, मुझे खुद नहीं पता। मैं कट ऑफ वाले जो वीडियो बना रहे हैं ना, कट ऑफ वाले वीडियो बना देते हैं, नया पुराना कट ऑफ आता है तो बना देते हैं 100 100, फिर आता है 80 80, उनको व्यूज के लिए बना देते हैं। मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया ही नहीं, क्योंकि जब लोग जो जो अथॉरिटी इतनी अजीब सी है, कट ऑफ पता ही नहीं किस बच्चे का नंबर कितना गिरा है, किस बच्चे ने कितना मार्क फॉर रिव्यू किया है, किस बच्चे का कितना बढ़ा है, तो मैं कट ऑफ निकाल ही नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं पता। पर एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे लग रहा है 70 वाले लोग पहुंच जाएंगे जिस तरीके से नंबर गिरा है लोगों का। ठीक है, तो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, बस पेरेंट्स बच्चों को प्लीज मुंह दिखाने दीजिए, बच्चे मुंह नहीं दिखा पा रहे, ऐसे बोल रहे पापा को, मैं पापा मेरे को शक्ल कैसे दिखाऊं, दिखा दो ना, तुम्हारी गलती थोड़ी है इस बार, तो कंसोर्शियम की गलती है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है वो भी इसी में घुस गए हैं कि पापा मेरा भी गिर गया नंबर। अब चलो, तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, पढ़ाई नहीं करी, बहुत लोग चीटिंग करते हैं मॉक्स में पापा मम्मी को दिखाने के लिए, जबरदस्ती करते हैं मतलब कोचिंग, तो वो भी इसमें हाथ धो रहे हैं कि मेरा भी गिर गया, मैंने तो मेरे तो 150 आ रहे थे, मेरा गिर गया 50 नंबर। ठीक है चलिए, फिर ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी लाइफ में, और अगर ठीक कर दिया तो अच्छी बात है, रिस्पॉन्स की ठीक कर दिया तो अभी अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, आप पढ़ना कम कर देंगे, नहीं तो पढ़ते हुए आगे पढ़ लेंगे, है ना, जैसे आईटी हो गया था ना, पढ़ना बंद हो गया, एनएलयू वाले पढ़ना बंद कर देते हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, फिर बाद में वो तुम लोग उसको कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा है ना, इन व्हाट टाइम विल ए ओवरटेक, भी वैसा ही हो जाता है यहाँ भी। ठीक है चलो, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, एंड अंकल जी से कोशिश कर रहा हूँ बात करने का, हमारा भी रिप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, क्वांट अवेयरनेस वेब सीरीज, चलिए।